अमरकोट से आया है। अच्छा जी। महेंद्रा अच्छा। ध्रुवी की राजकुमारी थी, ये दोनों आपस में प्रेम करते थे। उस समय ऊंट पे सवार होकर वो रात को नदी पार करके इससे मिलने आते थे। अच्छा। और दोनों मिलकर ये खेलते थे चौपट पासा। अच्छा, ये चौपट पासा है। चौपट पासा है। अच्छा, चौपट पासा ये उस समय। हाँ, परिवार के साथ साथ गुलाब, ये कैसा कॉम्बिनेशन है भाई। आज ये देखो वैलेंटाइन डे भी आज, और देखो बड़ा खुश होते हैं। तुमने इतना गहरा पहना है, अगर चोर आगे पीछे डाकू आगे तो दोस्तों स्वागत है आपको जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल में। इसको मरु महोत्सव भी कहा जाता है, और आज आपको दिखाएंगे एक ऐसी स्टोरी जो छोटे बच्चों के द्वारा आज भी प्रचलित है। वो स्टोरी किसके बारे में, एक लव स्टोरी है, जैसे लैला मजनू हीर रांझा की तरह। यहाँ पे राजस्थान में भी एक बहुत ही प्रचलित स्टोरी है, वो है महेंद्रा और मूमल की। महेंद्रा जो पाकिस्तान के सोडा राजपूतों में राजकुमार थे, और जो मूमल थी वो जैसलमेर में भाटियों की राजकुमारी थी। इन दोनों की एक प्यार कहानी है जो आज आपको इस मरु महोत्सव मेले में छोटे बच्चों द्वारा आज भी वैसे ही किया जाता है, तो वो आज आपको दिखाएंगे। दोस्तों एक बात मैं आपको और बता दूं, जो महेंद्र थे वो एक बार यहाँ पे आए मुमल से मिलने के लिए। तब उन्होंने मुमल को, अपनी बहन को, एक इंसान के कपड़ों में देख लिया, तो उसके बाद में दोबारा वो कभी आए नहीं, और वो कभी शादी भी नहीं की, ना ही मुमल ने की और ना ही महेंद्रा ने की। तो ये एक इनकी प्यार कहानी है, और बहुत ही आपको अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। तो वीडियो पूरा देखना, लाइक शेयर ज़रूर करना, इसमें मैंने पूरा एफर्ट किया है, सिनेमेटिक शॉट भी दिए हैं। होप यू विल एंजॉय इन दिस वीडियो इन जैसलमेर मरु महोत्सव। अभी मतलब यहाँ पे जैसलमेर में मतलब इसको बोलते हैं मुमल, मुमल के लिए मतलब यहाँ पे एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, जो मुमल होती है इधर की होती है, और जो लड़का होता है ना वो उनका मतलब प्रेम कहानी होती है, ऐसे करके सिस्टम है। मेरे को थोड़ा बहुत नॉलेज है, ज़्यादा नहीं इसके बारे में, पर यहाँ पे अभी देखो मतलब उनके पूरे तौर तरीके से यहाँ पे बने हुए हैं, देखो लगे एकदम एकदम बढ़िया वाले सारे। उधर देखो क्या है, तो ये देखो उस साइड में पूरा मतलब इधर ऐसे लगता है सीन। ये मतलब इनका प्रदर्शनी है, ऐसे लगा लो बच्चों की, और यहाँ पे बच्चों का ये उत्साह है, छोटे छोटे बच्चे हैं और ये बने हैं पूरे मतलब एकदम जोड़े में बने हुए, क्या बात है, बड़ा खूबसूरत लग रहे हैं यार। मतलब ऊँट वगैरह इतने अच्छे से तैयार करवाए, अलग अलग जगह से तैयार करवाए हैं। देखो ये पानी की बोतल चाहिए, वो देखो आगे अलग है पीछे अलग है, तो ऐसे करके मतलब एक चीज़ मेरे को लगा हुक्के वाली सिस्टम तड़ा तकड़ा लगा इनका। अभी मैं इनसे पता करता हूँ कि ये हम लोग लोकल होते हैं, कहाँ से होते हैं आप, इधर से ही हो लोकल या आउटसाइड ऑफ जैसे मेरा लोकल हो, सारे इधर लोकल ही होते हैं। अच्छा, कोई बाहर से मतलब ऐसे कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए बाहर से नहीं आता कोई? ओनली जैसलमेर के है ना, कोई बाहर से नहीं है। खूबसूरत जोड़िया है, तो ऐसे करके भाई ये देखो ये भी लगे अपनी तरह, तो बढ़िया है, अच्छा लगा मेरे को। आगे मतलब सारे मतलब जैसलमेर के ही हैं, आउटसाइडर नहीं, तो ये भी ठीक है। ये मेरे को सबसे बढ़िया जो लगा इनका लगा, स्कूल के बच्चे हैं, मुमल महेंद्रा में सबसे बढ़िया मेरे को तो ये लगा। मेरी तरफ से आपको लगेगा ऑल दी बेस्ट है, क्योंकि ये सारा बढ़िया एकदम जो लग, हाँ ये कंपटीशन है। तो देखो भाई बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में बताओ, आपको कौन सा ठीक लगा, क्योंकि बाकी तो अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, क्योंकि सब अपने तरफ से तो मतलब बढ़िया करके आते हैं, बेस्ट करके आते हैं, बाकी जज बताएंगे कौन सा होता है। फिर इनको मतलब पूरे मतलब साल के लिए हर साल में एक होता है जो जीतता है, विनर होता है, फिर उसको मतलब ऐड होती है, जैसे जैसलमेर की कोई मतलब होली ऐड होती है ना, कहीं पे पोस्टर लगता है, बैनर लगता है, तो इनका लगता है, फिर इनको पैसे मिलते हैं, ऐसे करके सिस्टम रहता है। तो बाकी यही है इनकी इनकम। तो अभी आपको एक बंदे से और मिला देता हूँ, अपने अपने यूट्यूब का चैनल का नाम बताओ जी। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है जी हेवन यात्री। हाँ। और भाई साहब मेरे को मिले यहाँ प्राजी भाई और इनके, तो ये भाई हेवन यात्री, ठीक है जरूर देखना भाई साहब, पैसे करके हैं हम यहाँ पे घूम रहे हैं, मजे कर रहे हैं, साथ में चिल कर रहे हैं और मरु महोत्सव देख रहे हैं। हाँ। ये अभी मरु महोत्सव ना ये 2 साल बाद हुआ, क्योंकि कोरोना की वजह से ये एक बार रुका हुआ था। हाँ। तो अभी लोगों में उत्साह है काफी देखने का, दूर दूर से आते हैं, पर ये जैसे आपको बता दिया जैसलमेर के सारे ये जोड़े जैसे
तो भाई पीछे देखो, मतलब ऊँट में बैठे थे और आगे ये ऊँट को चलाते हैं। देखो तो देखो भाई, हर जगह ऊँटों को मतलब अलग अलग तैयार तरीके से तैयार किया हुआ है। और पीछे भी देखो एकदम बढ़िया, मेरे को बड़ा अच्छा लगा इनका सिस्टम जो है ना। तो जैसलमेर में आया हूँ, देखो क्या बात है। तो भाई इनकी जो स्टोरी होती है ना, जो जो मुमल होता है वो पाकिस्तान से आए होते हैं, और जो एक मुमल है वो जैसलमेर की होती है, वो अमरकोट पाकिस्तान से, ऐसे करके इनकी स्टोरी होती है। मतलब अभी आपको पूरी आपको अमरकोट से मतलब वो साइड में वही अमरकोट से आया है। अच्छा जी, महेंद्रा। अच्छा, लोधरवे की राजकुमारी थी, ये दोनों आपस में प्रेम करते थे। उस समय ऊँट पे सवार होकर वो रात को नदी पार करके इससे मिलने आते थे। अच्छा, और दोनों मिलकर ये खेलते थे चौपट पासा। अच्छा, ये चौपट पासा है। चौपट पासा है। अच्छा, चौपट पासा ये करते। अच्छा, उस समय तो ये पुरानी कल्चर है, वो अभी तक चला रहा है। अच्छा अच्छा, बच्चों का ठीक है, बढ़िया लगा। तो ये अलग अलग स्कूलों से पार्टिसिपेट करते हैं और ऐसी इनकी परंपरा है। आज भी ये मतलब कल्चर प्रोग्राम बोल सकते हैं जिसको आप बोल सकते हो। तो अच्छा लगा हमारी तरफ से, तो सबको ऑल दी बेस्ट है, जो बनेगा अच्छा है। तो बढ़िया लगा। देखो भाई अभी आपको ये देखो एक और हैं, इनसे आपको स्टोरी का पता है इनकी स्टोरी, मुमल्स और जो महेंद्रा की स्टोरी पता है आपको? नहीं पता है? पता है जैसलमेर के गांव लिदरवा की राजकुमारी थी। अच्छा जी, और महेंद्रा पाकिस्तान पाकिस्तान अमरकोट से ना, पाकिस्तान अमरकोट से थे, और उनकी प्रेम कहानी थी। और उनके मतलब याद में आज भी मतलब जैसलमेर में देखो ये महोत्सव बनाए जाते हैं। और ये अलग अलग स्कूल से, कौन से स्कूल से आप रिप्रेजेंट करते हैं? मॉन्ट्रियल निकेतन। अच्छा अच्छा, तो अलग अलग स्कूल से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ के कंपटीशन है ये, और अभी जज इनका निर्णय देंगे। यहीं पे निर्णय होगा या आपको और कहीं जाना पड़ेगा? यहीं पे होगा ना। अच्छा, तो ऐसे करके बात है भाई। हल अलग अलग देखो, ये आप कौन से स्कूल से हो आप भी? अच्छा, पुलिस लाइन स्कूल से हो। तो ये देखो, ये भी आपको स्टोरी का पता है थोड़ा बहुत? थोड़ा बहुत पता है, महिंद्रा है ना। हाँ हाँ, अमरकोट से आते थे। अच्छा जी, रुद्रवा आते थे वहाँ मुमल से मिलने। अच्छा अच्छा, और एक बार आए थे तो धोखा खा दिया था। कैसे? वो उनके साथ कोई लड़की थी जो आदमी का पेट पहन के बैठी थी, सो रही थी। अच्छा, तभी वो गई गलत फैमिली, फिर वो कभी आए नहीं। अच्छा अच्छा, ऐसे करके स्टोरी। तो अच्छा लगा, रिप्रेजेंट करते हैं। आपको भी पता है थोड़ा बहुत स्टोरी पता है? तो आपका जैसे मुमल के बारे में आपको क्या स्टोरी पता है आपको? यही सेम स्टोरी पता है। तो मतलब एक स्कूल से है, तो पहले आपका कोई कंपटीशन की तैयारी होती है या बिना तैयारी से होते हो? अभी वो बात हुई थी पहले दो। अच्छा, पहले उनका होता है प्रैक्टिस वगैरह होती होगी ना। अच्छा अच्छा, कैसे करके होता है? प्राथमिक विद्यालय पुलिस लाइन तुम्हारा ये बच्चा। ओ भाई, तू अमरकोट में गुलाब उगाता है क्या? गुलाब? गुलाब किस लिए लेके बैठे हो आज? तलवार के साथ साथ गुलाब, ये कैसा कॉम्बिनेशन है भाई? बोला आज वैलेंटाइन डे भी है। हाँ, वैलेंटाइन डे कमाल तो सही आज की नहीं बोली। ये देखो वैलेंटाइन डे भी आज, और देखो बड़ा खुश होते निकल गया। वेरी गुड, तो बड़ा अच्छा लगा ये देखो क्या बात है। पीछे खड़ा रहो भाई, थोड़ा पीछे रहो, थोड़ा पीछे रहो। मोंटेसरी बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय जैसलमेर। क्या नाम है भाई? मुमल। और आपका? सुनीता। सुनीता इंदा। तो बड़ी तंदीदा से देख रहे हो महेंद्र इसको, और गुलाब भी दे रहे हैं। वेरी गुड। आप कौन से? करणी बाल मंदिर देख लेते हैं। डिसीजन बाद में पता चलेगा, क्योंकि विदाउट कुछ भी बताए भी नहीं होता है, कंपटीशन होता है वैसे ही होता है। पर क्या डिसीजन रहता है, सभी अपनी अपनी आस में जैसे खड़े हैं। आप स्कूल से? आपसे स्कूल से हैं? अच्छा जी, चलो देखते हैं क्या डिसीजन रहता है, लास्ट में पता लगेगा। अभी जो ये देखो इधर जो ऊपर खड़े हैं इनको ये बचाओगे मुमल को? राइट कर लो,
मुमल ने कितने गहना पहना है, कितने किलो? बस तो फिर अब तुम उठागेगा तब पता चलेगा। महात्मा गांधी। तुमने इतना गहना पहना है, अगर चोर आगे पीछे डाकू आ गए तो भाग जाओ। ये मुआइंदे किस काम आएगा? वो बचाने नहीं आएगा? तू इतना सारा गहना छुपा के ना रखती है उमर। तिजोरी तो सास को देती है या मम्मी को देती है? वेरी गुड। और कौन से स्कूल में पढ़ते हो? सेंट पॉल्स। कौन सी क्लास में? फिफ्थ। वेरी गुड। और महेंद्र कौन सी क्लास में पढ़ता है? नाइन्थ। चलेगा, बचा तो लेगा ना तुझे अगर हम लूट के ले जाए तुझे तो। वेरी गुड। ऊपर। अरे वाह भाई, मोहम्मद ने इतना जेवर पहना है। तो दोस्तों इस बार 2022 की जो मूमल प्रतियोगिता में ये जो आपने फ्रंट में देखा है ये विजेता रही है, और बाकी सबके लिए ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट ईयर। तो ये था दोस्तों मरू महोत्सव का पहला दिन, जिसमें आपने देखा जो छोटे छोटे बच्चों के द्वारा महेंद्रा और मुमल की एक बहुत ही शानदार प्रस्तुति आपके सामने पेश की, और दास ने आपको उसको अपने अंदाज में दिखाने का प्रयास किया। होप यू एंजॉय दिस व्लॉग।